शिव महापुराण कथा ज्ञान का वह भंडार है जिसके वाचन और सुनने से वातावरण में शुद्धि तो आती ही है, साथ ही मन और मस्तिष्क भी स्वच्छ हो जाता है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर शिव कॉलोनी दिलवाड़ा रोड में शिव महापुराण सप्ताह कथा के प्रथम दिन धर्म सभा को संबोधित करते हुए संत गोपाल राम महाराज ने कहा कि कथा के ज्ञान से आत्मा शुद्धि होती है और बुरे विचार अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कथा से घर और समाज में पवित्रता आती है जो सुख और शांति का आधार है। ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना चाहिए ताकि जीवन सफल हो सके। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सदैव सुख और दुख में धैर्य का परिचय देना चाहिए। वही लोग सुखी रहते हैं जो लोभ मोह त्याग कर आशुतोष भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हैं। सत्संग के माध्यम से शिव कथा श्रवण करने से मन और चित्त शुद्ध समाहित हो जाता है, अंतःकरण पवित्र होता है। मन बुद्धि चित्त और विचारों की पवित्रता के लिए कथा परम साधन है। षट विकारों से रहित जीवन के लिए भगवान की कथा के साथ नाम रूप लीला और धाम से जुड़कर जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। संत ने कहा कि नीति और अध्यात्म विहीन शिक्षा पद्धति के प्रभाव से समाज में नैतिक मूल्यों का अभाव होते जा रहा है। चारों तरफ कुसंस्कार तथा विकारग्रस्त युवा पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण कर विश्व प्रसिद्ध भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा से दूरी बढ़ाकर भ्रमित है। ऐसे दशा में राम कथा, भागवत कथा तथा शिव कथा के माध्यम से आदर्श समाज परिवर्तन तथा राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिससे समाज में सुख, परस्पर सौहार्द, शांति, सद्भाव, प्रेम, एकता की स्थापना संभव है। कथा शुभारंभ से पूर्व कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कथा व शोभा यात्रा के दौरान भगवान सिंह राजपुरोहित, राजेश तंवन और अतमल प्रजापति, भोपाल जी रतनलाल शर्मा, रतनलाल खंडेलवाल, कैलाश सिंह मीणा, कैलाश जांगीर, शिवरतन चौहान, नारायण सिंह राजपुरोहित, सीपी अग्निहोत्री, रमेश चौहान, कमला देवी, सुशीला देवी, ज्ञानसी देवी, राजेश्वरी यादव, मनभर, राखी अग्रवाल, रेखा शर्मा, दुर्गा देवी जोशी, अनु प्रजापति तथा दुर्गा देवी साखला आदि शामिल थे।